Subscribe now and never miss an update. Today we shall study the poem My Mother at 66, composed by the famous poet Kamala Das. She was born in Malabar in Kerala in 1934 and died in 2009. She has published many novels and short stories in English and Malayalam language under the pen name Madhi Kutty. She is recognized as one of India's foremost poets. My Mother at 66, summary of the poem. Poet is going to Cochin on Friday morning. कवित्री शुक्रवार की प्रातःकाल कोचीन जा रही हैं। Her mother was also sitting beside her in the car. उनकी माँ भी उनके बगल में कार में बैठी हुई हैं। She was dozing open mouthed. वो खुले मुंह ऊँग रही हैं। Her face has turned pale like that of a corpse. उनका चेहरा पीला पड़ चुका है जैसे कि एक मुर्दे का चेहरा होता है। The poet realized with pain, कवित्री को दर्द के साथ ये एहसास होता है कि her end is not far away, कि उनका अब अंत ज्यादा दूर नहीं है। But the poet gives up such thought, किंतु कवित्री ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल देती है। She watches the moving trees, वो दौड़ते हुए छोटे बच्चों को देखती हैं। She watches the children playing out of their homes. वो अपने घरों से बाहर खेलते हुए प्रश्नचित बालकों को देखती हैं। The moving trees indicate that ये चलते फिरते दौड़ते हुए पेड़ ये दर्शाते हैं कि युवावस्था बहुत ही शीघ्रता से गुजर जाती है। The children playing with joy remind the poet, ये जो बच्चे खुशी के साथ खेल रहे होते हैं कवित्री को याद दिलाते हैं कि old people like her mother cannot move happily, कि वृद्ध व्यक्ति उसकी माँ की तरह प्रसन्नता पूर्वक चल फिर नहीं सकते हैं। After the security check at the airport पर security check के पश्चात the poetess again saw at her mother, कवित्री अपनी माँ की ओर पुनः देखती हैं। She saw that her mother was pale as a late winter's moon, वह देखती हैं कि उनकी माँ पिछले बीते हुए शरद ऋतु के चंद्रमा के समान पीली पड़ चुकी हैं। विंटर्स मून इंडिकेट द ओल्ड एज, शरद ऋतु का चंद्रमा वृद्धावस्था को दर्शाता है। द पोएटेस फेल्ट द पेन बोर्न आउट ऑफ द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, कवित्री एक दर्द का एहसास करती हैं जो अपनी माँ के अलगाव से उत्पन्न होता है। She only beats her mother saying, वह अपनी माँ को मात्र यह कहते हुए विदा करती हैं। See you soon, अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगी। Now study the poem in detail. My mother at 66, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, पिछले शुक्रवार की प्रातःकाल अपने माता पिता के घर से कार में जाते हुए I saw my mother beside me, मैंने अपने साथ बैठी हुई अपनी माँ की तरफ देखा। Dozing open mouthed, जो कि खुले मुंह ऊंग रही थी। पिछले शुक्रवार की प्रातःकाल अपने माता पिता के घर से जाते समय, कोचीन जाते समय कार में अपने साथ बैठी हुई माँ को मैंने ऊंगते हुए मुंह खोले हुए ऊंगते हुए मैंने देखा। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था जैसे कि मुर्दे का चेहरा होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और बड़े दर्द के साथ मैंने एहसास किया कि सी वॉज एज ओल्ड एड सी लुक्ड, कि वह अब उतनी वृद्ध हो चुकी हैं जितनी कि वो जैसी दिखती हैं, अर्थात उनका अंत अब ज्यादा दूर नहीं है, अब उनका अंत समीप है। बट सून पुट दैट थॉट
अवे, किंतु मैंने शीघ्र ही ऐसे विचार को अपने मन से निकाल दिया एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर की तरफ जो दूर छोटे छोटे वृक्ष दौड़ रहे थे, दौड़ते वृक्षों की ओर देखा, एंड द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और जो छोटे छोटे बच्चे मेरी प्रसन्नता पूर्वक अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, बाहर खेल रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेकिंग, किंतु एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के पश्चात स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के मैंने देखा. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक यानी जांच पड़ताल के पश्चात, सिक्योरिटी चेक के पश्चात दूर कुछ गज की दूरी पर खड़े होते हुए मैंने अपनी माँ की ओर पुनः देखा, जो कि वैन पेल, जो कि फीकी, उनका चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, पीला पड़ चुका था, जैसे कि लेट विंटर्स मून, जैसे कि बीते शरद ऋतु का चंद्रमा होता है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और मैंने अपने वही बचपन के पुराने पुराने भय का मैंने अपने हृदय में एहसास किया. बट ऑल आई सेड, किंतु मैं जो भी अपनी माँ से कह सकी, जो भी मैंने अपनी माँ से कहा वो था सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगी. All I did was smile and smile and smile. और जो भी मैंने किया वो सिर्फ मैंने उनकी उनको देखते हुए मैंने मुस्कुराया मुस्कुराया और मुस्कुराया. If you like this poem, please like and subscribe the channel. Thanks to all.